अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है, एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सावन में मटन, नवरात्रि में मछली, लालू फैमिली की नियत पर उठ रहे सवाल। नेटिजंस बोले मुस्लिमों को खुश करने के लिए तेजस्वी यादव ने डाला वीडियो। ओप इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर पर मछली खाते हुए वीडियो पोस्ट किए। उन्होंने अपनी वीडियो के साथ बताया कि 8 अप्रैल 2024 की है। इस वीडियो में तेजस्वी यादव खाई हुई मछली के कांटे के साथ साथ बार बार अपनी थाली दिखाते हैं। उनकी वीडियो देखने के बाद हिंदुओं में आहत है। सवाल हो रहा है कि क्या ये जानते हुए कि हिंदू लोग नवरात्रि में मांस का सेवन नहीं करते, ये सब मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए किया जा रहा है, जैसा उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने सावन के समय में मटन खाकर किया था। भाजपा ने भी तेजस्वी के हिंदू होने पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव ने 9 अप्रैल 2024 को अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वो अपने दिन की व्यस्तता बताते हुए मछली दिखा रहे थे। वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना गया था कि पूरे दिन हम प्रचार किए, अब हम लोगों को यही 10-15 मिनट मिला है कि हम लोग लंच कर सके। आज मुकेश जी खाना लाए हैं, मछली लाए जो कांटे की है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है, हरी मिर्ची है। मुकेश जी को मछली खिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी इस वीडियो को बताते दिखाते हैं कि ये मछली मिथिलांचल में कोसी नदी में पाई जाती है, इसी चचेरा मछली कहते हैं। जो भी समय मिल रहा है उस दौरान हम हेलीकॉप्टर में ही लंच कर रहे हैं। आगे वीडियो में मछली के साथ मिर्ची दिखाते हुए कहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा, वो मिर्ची हमसे मांग ले, हम लोग निश्चित रूप से सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी की 3 मिनट की वीडियो को देख हिंदू भड़के हुए हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा जानबूझकर तेजस्वी ने किया ताकि उनके मुस्लिम वोटर्स को इससे खुशी मिले और हिंदुओं को आहत हो। इसी मामले में भाजपा नेता उन्हें भी राजद को घेरा है। विजय सिन्हा ने कहा है कि ये लोग सनातनी बनना चाहते हैं लेकिन सनातनी संस्कार सीख नहीं पाए, सावन में मटन खाते हैं और नवरात्रि में मछली खाना, वोट के लिए इतना गिर गए। ये लोग धर्म संस्कार को लज्जित करते हैं, ये लोग धर्म का अपमान करते हैं। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी जी सीजनल सनातनी है, तुष्टिकरण के पोषक है। जब इनकी सरकार थी तो वोट की खातिर इनके पिताजी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को अवैध तरीके से बसाया, काफ़ी संख्या में ऐसे लोग आए थे। ये वोट के सौदागर नहीं है, ना ही सनातन के पुजारी है, ये सनातन का लबादा ओढ़कर तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। इसी तरह हिंदू भी उनकी वीडियो को देखकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं जितेंद्र प्रताप लिखते हैं कि नवरात्रि में हिंदू लोग नॉनवेज नहीं खाते लेकिन सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि मैं हिंदू धर्म के रीति रिवाज को नहीं मानता, तेजस्वी यादव ने ये वीडियो डाला। एक यूजर ने लिखा कि जब मछली खाई पिछले दिन थी तो उसी दिन उसको पोस्ट करते, नवरात्रि के पहले दिन पोस्ट करने से क्या साबित करना चाहते हैं। सोनू कुमार लिखते हैं कि नवरात्रि में तेजस्वी यादव मछली खा रहे हैं, बड़ी शान से वीडियो बनाकर हिंदुओं को दिखा रहे हैं, ये हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना है। गौरतलब है कि अभी पिछले ही साल लालू यादव का सावन पर मटन खाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, उस समय भी हिंदुओं की नाराजगी इसी बात से थी कि आखिर ये लोग सावन के पवित्र महीने में मटन खाकर उनकी तस्वीरें खिंचाकर क्या साबित करना चाहते हैं। तस्वीर में मीसा भारती के दिल्ली आवास पर राहुल गांधी के साथ लालू यादव मटन खाते दिख रहे थे। इस पर आपकी क्या राय कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यूज़।